40 में जो दोस्त होते हैं ना, 40s में, वो कहीं भी मिले ना तो बातचीत में कहीं ना कहीं से घूम फिर के मनहूसियत अपना रास्ता बना ही लेती है। मेरा दोस्त घर पे आया, ड्रिंक बना रहा। पीने के बाद आदमी दो मोड में होते हैं, एक होता है ये, कौन है किधर है क्या, तेरा भाई तेरा साथ भाई आवाज का। दूसरा होता है ये, आए ये दुनिया क्या है यार संदीप, ये सेकंड वाले में गया था, दादी बहुत याद आती है यार संदीप, दादी क्या खाना बनाती थी यार, क्या खाना बनाती थी दादी, क्या खाना बनाती थी, क्या बनाती थी, नॉन वेज बनाती थी, अच्छा क्या याद है संदीप, गांव का एक बड़ा सा आंगन होता था मिट्टी का, जिसमें सूखे हुए पत्ते पड़े रहते थे, जब हम लोग नंगे पांव चलते थे पत्तों से आवाज आती थी कड़च, दादी बनाती क्या थी, बोला तुम्हें जल्दी है, बॉटम सब कर रहे हो, कहीं जाना है, अपने घर से भगाना चाहते हो, नहीं नहीं पियो आराम से, बोला तो सुनो, हाँ इरशाद, बोला वहाँ याद है एक तरफ नीम का पेड़ एक तरफ पीपल का पेड़, बीच में रस्सी बंधी रहती थी, उस पर कपड़े सूखते थे, निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, बस सुखा देते थे, 20 मिनट के अंदर तेज़ हवा साए साए करके कपड़े सुखा देती थी। गांव की यादें यार संदीप का, दादी बनाती क्या थी, बोला बता रहा हूँ, बोला एक कोने में गाय बंधी रहती थी, उसका चारा दादी अपने हाथ से बनाती थी, कभी कोई बछड़ा वगैरह पैदा हुआ किसी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दादी खुद अपने हाथ से खींच के बछड़ा निकालती, का दादी डॉक्टर भी थी क्या, बोला नहीं नहीं सुनो ना, दादी क्या खाना बनाती थी, मैंने कहा वही तो सवाल है जिसका उत्तर आप दें, बोला वहाँ आगे ना मिट्टी का एक चूल्हा लगा रहता था, मिट्टी के चूल्हे के खाने में संदीप वो बात होती है, गैस के खाने में वो स्वाद ही नहीं आता संदीप, दादी क्या खाना बनाती थी, मैंने कहा दादी बनाती क्या थी, बोला वही तो बता रहा हूँ, मैंने कहा आजकल मनुष्य जो है वो 400-500 साल जीते नहीं हैं, और जो जिस प्रकार की कार्रवाई हम यहाँ कर रहे हैं और हमारा लाइफस्टाइल है, हम 80 भी पार कर जाएं तो चमत्कार होगा, इसलिए आप कृपा कर इस यक्ष प्रश्न का उत्तर दें कि दादी बनाती क्या थी। तो बोले मिट्टी के चूल्हे, मैंने कहा चांटा ना मार दो, बोला सुनो मैं दादी सूखी घास डालती थी जिसको हम लोग पुआल बोलते हैं, गोबर के उपले लकड़ी कोयले उसमें रखती थी दादी, माचिस की तिल्ली लेकर उसमें आग लगाती थी, दादी इतनी प्रोफेशनल थी कि जहाँ 20 मिनट में हवा से कपड़े साए साए सूख जाते थे, दादी वहाँ एक बार में तिल्ली जला के घास में आग लगा देती थी। मैंने कहा दादी बनाती क्या थी, बोला उसमें आग लगने पर हवा तो साए साए अब भी चल रही है, दादी ने तिल्ली तो बचा ली, घास कैसे बचाती, तो घास में आग बुझ जाती थी, एक चिंगारी सी रह जाती थी। कहा ये पोएट्री ओपन माइक शुरू होने वाला है क्या यहाँ,
का फिर क्या होता? बोले दादी लेती थी लोहे की फुकनी, उससे उसमें फूंक मारती थी, उससे आग जल जाती थी। मैंने कहा लोहे की फुकनी, वो तो हमारी दादी भी यूज़ करती थी और उसके बाद बहुत खांसती थी। बोले नहीं, हमारी नहीं खांसती थी, वो हुक्का भी पीती थी। कहा दादी बनाती क्या थी? दादी उसके बाद लेती थी पीतल का एक बड़ा सा बर्तन, संदीप स्टील के बर्तनों में बने खाने में वो स्वाद ही नहीं है। जो पीतल के आहा असली धातु के बर्तन में होता है, उसके अंदर दादी रखती थी सरसों का तेल, वो नहीं जो हम लोग बाजार से ला के यूज करते हैं, पीले सरसों के फूल खुद के कोल्हू पर कोल्ड प्रेस्ड फ्रेश सरसों का तेल, जिसकी खुशबू सूंघ के लोग घर का रास्ता बता दें। मैंने कहा दादी बनाती क्या थी, इसका रास्ता इतना लंबा क्यों है? बोला हम बैठ कर पी रहे हैं, तुम्हें कुछ जल्दी है? मैंने कहा उतनी तो नहीं, पर फुर्सत भी इतनी नहीं है कि ये 7,500 की बोतल बिल्कुल ही उतर जाए, ये सुनते सुनते कि वहाँ क्या चखना बन रहा था। बोला दादी उसके अंदर सरसों का तेल डालती थी चौथाई बर्तन में भर के, उसके बाद बाजार के मसालों में वो स्वाद ही नहीं है संदीप जो पाउडर में आते हैं, खुद के हाथ से खड़े मसाले कूट 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 मैं तुझे दूंगा के बनाती थी दादी। उस तेल में डालती थी जीरा, हरी मिर्च, लाल मिर्च, राई का दाना, करी पत्ता, लहसुन, मैं लहसुन के साथ एक चीज़ और होती वो बनाती क्या उसमें? दादी बनाती क्या थी? दादी लेती थी बकरे का साबुत खोपड़ा, मैंने तेरी माँ मैं कहा ये दादी थी कि बगदादी थी? बोला उसमें ऐसे ही रख देती थी दादी, उसको ढक देती थी 6 घंटे के लिए, उसके बाद उसके नीचे की आग जलती थी, हवा भी साए साए चल रही है, आग की लपट कभी हरी कभी नीली कभी लाल। का अगर अब तूने 6 घंटे तक मुझे आग के लपटों के रंग बताए मैं सच में चाटा मार दूंगा। बोला नहीं सुनो, सुकून से सुनो, ऐसी कुकिंग भी सुकून से होती है, जल्दबाजी बहुत है, एंग्जाइटी छोड़ दो। मैंने ये एंग्जाइटी उतारने के लिए हम पी रहे थे, ये क्या बन रहा है इसमें मुझे हो रही है। बोला इसमें दादी 6 घंटे तक उसे ढक के रख देती थी और वो धीरे 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 पकता था। मैं कहा 6 घंटे दादी करती क्या थी, हुक्का पीती थी? अच्छा। बोला उसके बाद खोलती थी उसको, पता नहीं कैसे संदीप सारा जो मसाला था वो बकरे के भेजे में आ जाता था, दादी की कुकिंग में जादू था। मैंने कहा ये जादू नहीं काला जादू था कि हुक्का पीते पीते बुढ़िया कोई मंत्र भी फूंकती थी और बकरा अंदर से अपना मुंह खोल खोल के तेल पी पी के भेजे में मिला लेता था। मतलब बाहर निकाल के ये बड़े छुरे से उसे निकालती थी। बुआ वगैरह कभी ये सीख ही नहीं पाई संदीप, दादी में बहुत एक्स्ट्रा टैलेंट था। मैंने और क्या था? बोला पार्ट टाइम जॉब भी करती थी,
एक मोटा रस्सा काला कपड़ा लेके सेंट्रल जेल भी जाती थी, वह जल्लाद भी थी दादी। मैं नहीं नहीं बस तोल के आ जाती थी, वेट लिफ्टिंग का शौक था तो एक ही डोला बन गया था उनका, लटकाता कोई और था। मैंने कहा अब तू मेरी दादी सुन। मेरी दादी बहुत सीधी सादी थी, ठीक। दादी को मैं देता था 500 रुपये, ट्यूशन पढ़ाता था 12वीं के बाद, तो 500-500 की 3 ट्यूशन थी, एक ट्यूशन के पैसे दादी को दे देता था। दादी उसे लेके यहाँ रखती थी और गाना गाती थी, जोधा पूत कमाई लायो कहाँ धरूरी माई, मतलब योद्धा बच्चा मेरा, वॉरियर बच्चा, इतने पैसे खजाना ले आया इसे मैं कहाँ ही रख लूँ। एग्जैजरेट करती थी, हमारी खानदानी आदत है ये, हाँ तो वो रख लेती थी और बहुत हमें अच्छा फील हो ये करवाती थी। अब दादी का क्या है, एक उम्र के बाद फिल्टर गायब हो गया था मुँह से कि क्या बोल रही है। और दादियाँ गांव की जो होती हैं, जिसकी होंगी पता है, वो गाली देती है अनफिल्टर्ड। हमारी दादी ने हमसे बचपन में मांगा पानी, अरे मेरो बेटा एक गिलास पानी ला दियो, हम नहीं हम खेल रहे हैं अभी। दादी ने वहाँ से कहा बुढ़िया लकड़ियन में जाने वाली है, कोई पूछ ना रहो है, लुगाई आ जाएगी तो चूतरन के पीछे दीवाने होके डोलेंगे। अब इस बात की शिकायत तुम अपने फादर से भी नहीं कर सकते, वो तुम्हारे बाप की माँ है और उसका फिल्टर आउट। तो दादी को मैंने दिए 500 रुपये। दादी अगले दिन सुबह बैठी, सब लोग 7 बजे उठे हुए बैठे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सुबह उठना ही पड़ता था। तो दरवाजे के बाहर अखबार आता 7 बजे, सब चाय पी रहे हैं, अखबार का वेट कर रहे हैं। दादी को भी याद आया कि रात को पैसे दिए थे तो रात को दिख नहीं रहा था, चश्मा टटोला, वो चश्मा का नंबर भी ऐसा जिसमें पुतली ऐसे दिखती कि बाहर ही आ रही है, और ऐसे करके देखा तो पता चला कि नोट फटा हुआ था। दादी थी बैडेस, दादी झुकी चप्पल उठाने पर तभी दादी को दिख गई ईंट, दादी ने उठाई ईंट। हमने पानी दिया नहीं था, दादी को याद था, कहीं का गुस्सा कहीं निकलता। दरवाजे की तरफ मैं जा रहा हूँ अखबार लेने, दादी ने उठाई ईंट, मैंने देख लिया, क्योंकि जो पिटने कुटने वाले बच्चे होते हैं उनके मूव्स बहुत ज़्यादा स्विफ्ट होते हैं, सर्वाइवल टेक्निक है, तो ये बचपन से ट्रेनिंग अब तक चली आ रही। बचपन वाले मोमेंट पे मैं जा रहा हूँ दरवाजे की तरफ अखबार उठाने, दादी ने उठाई ईंट और फेंकी, मैं इधर डक कर गया, दरवाजे के पीछे ईंट गई, वहाँ से आवाज़ आई, पता नहीं क्या हुआ अगले दिन से अखबार नहीं आया।